Hello guys, this is Yanikara from General Student Channel. Don't mug up, try to build up rational and logical study. तो बात किया जाए साइको का. रेलवे एएलपी साइको परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट पहले होगा या मेडिकल सर्टिफिकेट आपका पहले होगा, एक इसमें बहुत सारे लड़कों को डाउट है, तो हम इस डाउट को क्लियर करेंगे जी. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. चलिए हम बात करते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है. तो मेडिकल सर्टिफिकेट में बात किया जाए तो देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे. तो ये आपको मैं बता देना चाहूंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल टेस्ट पहले होगा. जी नहीं, साइको टेस्ट ही पहले होगा, मेडिकल टेस्ट बाद में होगा जी. और ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, आप ध्यान से सुनिएगा जी. ये मैं बोल रहा हूँ, साइको के समय जाते हो आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको एनेक्सियर 6 में लिखा था, आप नोटिफिकेशन को देखिए, उसमें आपको ये बताया गया है. एनेक्सियर 6 में एक फॉर्मेट दिया गया है आपको विजन के लिए. ये केवल और केवल असिस्टेंट लोको पायलट वालों के लिए है, टेक्नीशियन के लिए ये नहीं है जी. मैं एक बार फिर से बात क्लियर कर देना चाहूँगा, ये केवल असिस्टेंट लोको पायलट के लिए है जी. ये आपको साइको के समय जाते वक्त आपको ये सर्टिफिकेट देना है. आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा जी, साइको से पहले बनवा लीजिएगा. और साइको जब दीजिएगा उस समय आपको ये जमा करना होता है. मैं सबसे फिर से कहूँगा, मेडिकल टेस्ट नहीं है जी, ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप किसी भी से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा सकते हैं या प्राइवेट डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. लेकिन उस डॉक्टर के पास क्या होना चाहिए जी, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा हुआ है कि डॉक्टर का क्या होना चाहिए जी, सील होना चाहिए स्पेशलिस्ट का, उसका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए इसमें दिखिए, और वो आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए. गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. और इसमें जो भी डाटा है इसी फॉर्मेट में बनवाना है, ये आप लोग बनवा लीजिएगा और साइको के लिए जाइएगा. तो आप सब, मैं समझता हूँ कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा. देखिए YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मतलब पूरे उन्हें सही से इंग्लिश भी समझ में नहीं आती है और कुछ भी वीडियो बना दे रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा. नहीं तो आप भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे ज़्यादातर फालतू वीडियो नहीं होते हैं. तो चलिए, आपने वीडियो को समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. डोंट फॉरगेट टू ट्राई टू हेल्प एनदर वन. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.